दोस्तों, अभी हाल ही में हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो सुंदरता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुलाब के फायदे में गुलाब के कुछ औषधीय गुणों के बारे में आपने जाना। आज इस वीडियो में मैं आपको गुलाब की पंखुड़ियों से बने गुलकंद के लाभ और गुलकंद को घर में बनाने की विधि में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि गुलकंद के गुणों का आप पूरा लाभ जान सकें और लाभ उठा सकें। गुलकंद में विटामिन सी, ई और बी भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुलकंद खाने से पाचन से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। त्वचा अगर बेजान या रूखी हो रही है तो नियमित रूप से रोज गुलकंद खाना शुरू कर दें। गुलकंद खाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और त्वचा बेजान भी नहीं दिखती है। गुलाब से बने गुलकंद शरीर और त्वचा को तरोताजा तो रखते ही हैं, इसके साथ ही साथ इसके सेवन से कफ में भी राहत मिलती है। गुलकंद नियमित रूप से खाने से पित्त के दोष भी दूर होते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण यह छोटी छोटी फुंसियों या मुहासों से राहत दिलाने में सक्षम है। रोजाना एक चम्मच गुलकंद खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। सुबह शाम एक एक चम्मच गुलकंद खाने से मसूड़े में सूजन या खून आने की समस्याएं भी दूर होती है। इसलिए मुंह का अल्सर दूर करने के लिए गुलकंद खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। और तो और, भोजन के बाद पान को गुलकंद के साथ खाने से सांस की दुर्गंध दूर हो जाती है और खाना भी पच जाता है। कहते हैं कि गुलकंद खाने से याददाश्त भी अच्छी होती है। गुलकंद शरीर की थकान, आलस्य, मांसपेशियों के दर्द और जलन आदि समस्याओं से भी मनुष्य को बचाता है। दोस्तों, गुलकंद में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि घर में ही आप गुलकंद कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सामग्री नोट करें। गुलकंद को बनाने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियां, उन पंखुड़ियों के बराबर मात्रा में पिसी हुई मिश्री या चीनी, एक छोटा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची और एक छोटा चम्मच पिसी हुई सौंफ। अब देखते हैं बनाने की विधि। गुलाब की थोड़ी ताजी पंखुड़ियों को एक कांच के जार में रख लें और इसके बाद उसके ऊपर डालें मिश्री, फिर दोबारा से पंखुड़ियां और उसके ऊपर मिश्री। इस तरह से तह पे तह लगाते चले जाएं और सबसे आखिर में ऊपर से डालें छोटा चम्मच पिसी हुई इलायची तथा सौंफ। इस तरह से 8-10 लेयर्स बन जाएंगी और इस जार को अब आप एक कपड़े से ढक दें और धूप में रख दें। बीच बीच में एक चम्मच से इसको चलाते रहें। ध्यान रहे कि आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी और उसमें पंखुड़ियां गलेंगी। पंखुड़ियां जब गल कर पूरी तरह से एक समान हो जाएं तो समझिए गुलकंद तैयार है। दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि आप गुलकंद जरूर ट्राई करेंगे। बाजार में भी गुलाब से बनी हुई कई वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे कि गुलाब की चाय, गुलाब जल, गुलाब शरबत आदि। अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन चीजों को मंगवा सकते हैं और इनमें से कुछ चीजों के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल भी करें। अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।